हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मशीनें, पर धागा हमारा बार बार टूट रही है, बड़ी बड़ी सिलाई आ रही है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। घर पे चलाने के लिए इसमें फॉल्ट हो रहा है आपका, बड़ा बड़ा टक्की छोड़ा, धागा काट दे रहा। देखिए चलाने पर इस तरह कभी पकड़ता है, कभी छोड़ देता है। देखिए यहाँ छोड़ दे रहा है, यहाँ पटक, जैसे इतना अंदर पकड़ के छोड़ के चल रहा। इसको कैसे नया मशीन में आया तो इस फॉल्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें है, तो किस तरह ठीक होगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा दिक्कत होता है वो हम सारा समझा दे रहे आपको, इसका दिक्कत क्या है। देखिए नया मशीन, पहला मशीन थोड़ा सा टाइट होता है, जाम होता है, चलाते चलाते वो फ्री होता है, लेकिन इसका फॉल्ट अंदर से है। देखिए यहाँ से इस तरह मशीन को रखा, ये आपका इसको बोलते हैं नाल सेटल, ये नाल सेटल खोलना है, खोल करके साफ करना अच्छा से, कहीं पे धार है उसको भी ठीक करना है। देखिए आपको खोले तो पहली बार खोल रहे, इससे पहले कभी नहीं खुला, जो कंपनी से कसा के आया आज खोल रहा। देखिए ये आपका नाल सेटल है, इसका ये बैक साइड में स्क्रू, इसको भी खोलना होगा यहाँ से। ठीक है, देखिए तीनों भाग में, देखिए अलग अलग, ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा, नंबर बाय नंबर इसको देखना होता है, कहीं पे धार तो नहीं है ना। इसको इधर हो गया, ये देखिए ये आपका पत्ती दिख रही है, यहाँ देखिए ये पत्ती जैसे क्या होता है ना, ये फ़र्क हो जाता है, इसको थोड़ा सा सटा हुआ होना चाहिए, दोनों पोजीशन पिला से इस तरह दबा के सटा देना है, ताकि धागा यहाँ से निकलने में फंस रहा, जाम हो जा रहा। ये फ़र्क रहेगा तो नहीं होगा, प्लस फिर जैसे कपड़ा ले करके इस तरह साफ कर देना अच्छा से, जहाँ तक कचरा होता है साफ कर दिया नया मशीन में। ये आपका रेसरिंग में धार देखना रहता है, जैसे इधर इधर धार तो नहीं है ना, धार है तो सिर्फ कागज़ से मारना होगा आपको, लेकिन इसमें धार तो अभी है नहीं, धागा टूट रहा, तो उसी से ये आपका बैठा दिए, फिर ये बैठाए, इसको यहाँ से पहले टाइट कर दिए, फुल टाइट जितना होता है मैक्सिमम इसका। देखिए ये आपका सेटल में देखना पड़ता है कहीं धार हो तो नहीं, ये धार यहाँ पर रहता ज़्यादातर सुई लगने पर, लेकिन तो नया है तो कुछ टूटा नहीं, यहाँ से ये आपका ये बैठ जाता है, धार इसी में रहता है सेटिंग, जैसे ये पत्ती फटी यहाँ उठा हुआ था ना, इसीलिए धागा काट रहा था, अट्टा का छोड़ रहा था, सुई भी मेरा परफेक्ट जा रहा है ना, तो सुई का टाका भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो पत्ती से भी होता है टाका, धागा नहीं आता है। देखिए फिर यहाँ से लगाया इस तरह, उसको बोलते हैं कैरियर पत्ती, अगर कैरियर पत्ती सेटिंग नहीं रहेगा ना तो टाका छोड़ेगा, धागा काटेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो ये हम वीडियो बता रहे कि पत्ती क्या है, पत्ती टूट जाने पर बदली होता है, 5 रुपये का मिलता है अलग से, कहीं भी बाज़ार में आप ला कर लगा सकते हैं, अपने से ही दो नट में रहता है टाइट, इसको फुल टाइट करना। अब इनकेस भी हमारा टाइट ज़्यादा लग रहा है तो इसको रूप से यहाँ से आपको छोटा पेचकस से इसको ढीला करना है। ठीक है, यहाँ से टाइट किया, बाकी आ रहा इसको देखा, ये आपका बेल्ट लगा यहाँ से इस तरह, ये आ गया यहाँ से, देख लिया टाइट तो ज़्यादा नहीं ना है, अगर टाइट है तो इसको ढीला कर दिया, सिलाई में सही बकिया आना चाहिए चीप पर, एक बार में आया समझ ली सब सिलाई सही है, सिलाई भी सही देगा, टाका भी नहीं छोड़ेगा। देखिए उसी के बगल में ही हम चला रहे हैं, देखिए देखिए एक भी छोड़ रहा, सही दे रहा ना बकिया, बकिया भी सही दे रहा, टाकने भी नहीं छोड़ रहा, पहले छोड़ छोड़ के इसमें आ रहा था वो तो नहीं आ रहा ना, फिर बकिया भी सही दे रहा। देखिए फिर से
छोड़ छोड़ के हो रही थी, बार बार धागा टूट रहा था, तो हमने किस तरह से इसे सही किया। तो फ्रेंड जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते मशीन की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।